स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है, क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले एक घंटे में बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट की मुहर लग गई है, किस तरह से यह मामला आगे चलेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि संसद में विपक्ष चर्चा को तैयार हो गया है और चर्चा वहां पर दिल्ली सेवा बिल को लेकर जारी है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्या है इसके मायने। साथ ही साथ बात होगी केरल स्पीकर के विवादित बोल, किस तरह से ये बोल विवादित रहे हैं और अब वहां पर इसके पीछे क्या कुछ राजनीति हो रही है इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बातचीत कर्नाटक से भी होगी जहां पर अब जो 5 गारंटी दी थी कांग्रेस ने वो उसके लिए गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे रहेगा जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा न्याय हित में सर्वे कराया जाना है उचित। सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए हलफनामे को लेकर कहा कि उस पर अविश्वास करने का नहीं है कोई आधार। संसद के दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य प्रस्तावित, मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा आज भी रहा जारी। वहीं लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2023 पर चर्चा की हुई शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा शुरू करते हुए कहा दिल्ली नहीं है पूर्ण राज्य। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर प्रधानमंत्री का एनडीए सांसदों से मिलने का सिलसिला जारी। पहले दौर में पीएम मोदी आज बिहार के एनडीए सांसदों से करेंगे मुलाकात, वहीं दूसरे दौर में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के सांसदों से मिलने का है कार्यक्रम। लाल डायरी को लेकर सवालों के घेरे में राजस्थान की कांग्रेस सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उठाए सवाल। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा भ्रष्टाचार के मामले में सीएम गहलोत के लाल का नाम भी आया सामने, कांग्रेस को शर्म से हो जाना चाहिए था लाल। और हरियाणा के नूह में स्थिति नियंत्रण में शांति बहाली करने के लिए आईआरबी की दूसरी बटालियन नूह ट्रांसफर। नूह समेत दंगा प्रभावित इलाकों में 5 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट रहेगा सस्पेंड। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट की मुहर लग गई है, क्या कुछ है इसके मायने और अब जब एएसआई से इस पूरे परिसर का सर्वे होगा तो आखिर सच सामने आ सकेगा जिसकी सभी को उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने को मंजूरी दे दी है। ये सर्वे अब जारी रहेगा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए रोक लगाई हुई थी। हाईकोर्ट ने सर्वे कराए जाने को लेकर वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने एएसआई की तरफ से दाखिल हलफनामे पर कहा कि उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है और न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है। हलफनामे में एएसआई ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार का इंच भर का भी नुकसान नहीं होगा, इस बात का हलफनामा दिया था एएसआई ने। हाईकोर्ट ने वाराणसी लोअर कोर्ट के सर्वे कराने के आदेश को भी सही माना है। आगे की कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। वाराणसी के जिला अदालत ने मस्जिद पक्ष की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ज्ञानवापी के वजू खाने को छोड़कर शेष हिस्से की एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। तो इस खबर पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां से आपको ले चलेंगे राज्यसभा की कार्यवाही जो जिसका सीधा प्रसारण के लिए जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का संबोधन हो रहा है। शासन करने के लिए हमें अपने गुलाम बनाने के लिए, लेकिन 1867 के बाद भी सन 2023 तक किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि इस गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाई जाए और ये जो सेंट्रली कंट्रोल्ड रखा जाता था इसको समाप्त करने का समय आ गया है। ये जो एक तरह से रुकावटें एक के बाद दूसरे चरण पर होती थी उसको कैसे ख़त्म करें, सर मैं कह सकता हूँ ये सिंपल भी है,
स्मार्टर भी है, साइमल्टेनियस प्रोसेस भी है और ऑनलाइन हम इसको करके जो 8 चरण पे इसकी आपको स्टेप्स लेने पड़ते थे समाचार पत्र या पत्रिका को रजिस्टर कराने के लिए, अब 8 चरण नहीं होंगे, केवल एक स्टेप पर ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर, जब मैं ये कहता हूँ एक स्टेप पर, तो इसका मतलब है कि पहले डीएम के पास आप जाते थे, वो वहाँ पे जाके उसको पेपर दो, फिर वो 6-8 महीने अपने लगाता था, फिर आरएनआई के पास दिल्ली आता था, फिर टाइटल वेरिफिकेशन यहाँ करता था, फिर नीचे जाके फिर रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर वापस आरएनआई के पास आओ। सर, इसके 8 जो कदम थे, पब्लिशर फाइल्स डेक्लेरेशन बिफोर द डीएम फॉर टाइटल अलॉटमेंट, डीएम ऑथेंटिकेट्स डेक्लेरेशन, पब्लिशर फाइल्स एप्लीकेशन टू आरएनआई फॉर टाइटल वेरिफिकेशन थर्ड, चौथा आरएनआई वेरीफाइज टाइटल, पांचवा पब्लिशर फाइल्स डेक्लेरेशन बिफोर डीएम फॉर पब्लिकेशन सर, छठा डीएम ऑथेंटिकेट्स डेक्लेरेशन, और सातवां था पब्लिशर अप्लाइज टू आरएनआई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशन, और आठवां जाके सर होता था आरएनआई ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सर इनको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है डीएम और आरएनआई यानी कि प्रेस रजिस्ट्रार के पास। 60 दिन के अंदर अगर डीएम जवाब देते हैं तो आरएनआई उसको कंसीडर करके, सर आरएनआई उसको कंसीडर करके उसको लाइसेंस दे देगा। अगर डीएम जवाब नहीं भी देता है तो 60 दिन के बाद आरएनआई यानी कि प्रेस रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट दे देगा। अब आपको 3 साल का इंतजार या 2 साल का इंतजार नहीं, केवल 2 महीने के बाद आपको अपनी प्रेस को, पीरियोडिकल को रजिस्ट्रेशन का अवसर मिलेगा। अब जब मैं ये बात कहता हूँ तो सर इसको ऑब्स्टैकल्स हम खत्म कर रहे हैं, हर्डल्स खत्म कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ किसी को मिलने वाला है तो स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन को, जो मध्यम और सूक्ष्म जो हमारे समाचार पत्र वाले हैं, मैगजीन वाले हैं, प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी उद्यमशीलता को इससे फायदा मिलेगा। और जो तीसरा इसका बात, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में अधिकतर कानूनों में एक भय रखा गया था कि आपको जेल हो जाएगी, तो इसमें भी ऐसे 8 प्रावधान पुराने कानून में कि आप छोटी से छोटी गलती करते थे तो आपको फाइन के अलावा भी 6-6 महीने की सजा थी। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जैसा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डीक्रिमिनलाइज बहुत सारे कानून को किया है, हमने यहाँ भी अधिकतर जो प्रोविजंस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। आपको केवल पेनल्टी लगेगी, वो भी होगा पैसे के, आपको फाइन लगने वाला है, आपको इसको पेनलाइज करके आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार जनरल के पास ही आपको अधिकतर फाइन दे के मुक्ति मिल जाएगी। केवल एक केस में, जब आप बगैर लाइसेंस लिए, बगैर परमिशन लिए अगर कोई अखबार छापते हो या कोई मैगजीन छापते हो, तब भी हम आपको पहले नोटिस देंगे कि 6 महीने के अंदर आप इसको बंद कर दो, अगर आप 6 महीने के अंदर बंद नहीं करते हैं तब जाके आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, अदरवाइज पूरी जेल वाली सजाओं से हमने आपको मुक्ति दिला दी है, डीक्रिमिनलाइज हमने इसको किया है, ये भी एक बड़ा कदम उस दिशा में है। और यही नहीं माननीय सभापति जी, ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि छोटे छोटे अपराधों के चलते आपको जेल में फेंका जाए, तो हमने इसमें भी वो प्रावधान किए हैं कि हमने इसको डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। और बाकी भी बहुत सारे बिंदु इस बिल के हैं, मैं उन सब पे भी आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं सभी माननीय सांसदों को एक बार पहले सुन लूँ, ये अपने विचार रखें और उसके बाद मैं अंत में अपनी बात कह सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस सोच के साथ ये सरकार बिल लेकर आई है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे, हम डीक्रिमिनलाइज करेंगे, लोगों को जेल में डालने वाला काम नहीं होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ सिंपल, स्मार्टर एंड साइमल्टेनियस प्रोसेस शुरू करेंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होगी, इससे समय भी कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस देश में पत्रकारिता के साथ जुड़ सकेंगे, इसको भी एक बल मिलने वाला है। इसलिए मैं आशा करता हूँ सभी माननीय सांसद अपने उत्तम से उत्तम सुझाव भी देंगे और इस बिल को अपना समर्थन भी देंगे। धन्यवाद। प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, मैं अब उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा जिनके नाम चर्चा में भाग लेने के लिए प्राप्त हुए हैं। श्रीमती
सुल्ता देव। अब देख रहे थे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समाचार पत्रों के पंजीकरण को और सुगम बनाने को लेकर बिल पर चर्चा की शुरुआत उन्होंने की और उस संदर्भ में विशेष जानकारी दी। और हम जो हमारी चर्चा हो रही थी वो हाई कोर्ट ने वाराणसी के लोअर कोर्ट के जो एएसआई को सर्वे कराने का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है, इस विषय पर हमारी चर्चा हो रही थी, इस विषय पर हम आपको जानकारी दे रहे थे। और वाराणसी की जिला अदालत ने मस्जिद पक्ष की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ज्ञानवापी के वजूखाने को छोड़कर शेष हिस्से की एएसआई सर्वे कराने के आदेश को जारी रखा है। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ। और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित। और भाजपा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर, आइए सुनते हैं। मेरा तो स्पष्ट मत है क्योंकि मस्जिद में कोई भी प्रतीक चिन्ह देवी देवताओं के नहीं होते, वहाँ त्रिशूल है, स्वस्तिक है, कमल का फूल है, देवी देवताओं के वहाँ प्रतीक हैं दीवारों पे। तो माननीय न्यायालय सबूत के आधार पर चलता है, सबूत के आधार पर फैसला होगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली मुस्लिम पक्ष के इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार करेगा, ऐसा उनका कहना है। जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक जाहिर बात एक केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे, हम लोग सब यही चाहते हैं। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से रामेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये मामला अब आगे चलेगा अदालत में, और एएसआई का सर्वे उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, कब से शुरू होगा वो वहां पर। निखिल, एक चीज पहले महत्वपूर्ण ये है कि जो भी न्यायालय जाता है वो अच्छी तरह जानता है कि कौन गलत है कौन सही, उसका मन बताया करता है कि हम गलत हैं लेकिन हम न्यायालय में आए, हम सोच सकता है कोई लाभ हो जाए। एक पक्ष चाहता है कि तथ्यों के आधार पर सुनवाई न्यायालय में हो और एक चाहता है कि तथ्य न प्रकाश में आए, जिसके लिए प्रयास कर रहा है। इंतजामिया कमेटी चाहती है कि सर्वे न हो, एएसआई सर्वे न करे, सर्वे करेगी तो तथ्य प्रकाश में आएंगे। हिंदू पक्ष चाहता है कि सर्वे हो जिससे वो सारे तथ्य प्रकाश में आए कि क्या है और ये जो वास्तविकता है इसकी क्या है, और उस पर आगे सुनवाई हो। हाईकोर्ट ने भी आज यही कहा कि एसआई ने जो हमको एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि हम कोई भी इस भवन को खरोंच नहीं लगने देंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। एसआई जब पूरा सर्वे करके रिपोर्ट फाइल करेगा तो उसके तथ्यों के आधार पर जब कोर्ट सुनवाई करेगा, जाहिर है कि वो तथ्यों के आधार पर की गई सुनवाई कोई खारिज नहीं कर सकता। और हिंदू पक्ष यही चाह रहा, मुस्लिम पक्ष चाह रहा कि ये तथ्य उभर कर सामने ना आए, क्योंकि आप जो बात कर रहे थे कि जो जिसको ज्ञानवापी में आजकल मस्जिद के रूप में कहा जा रहा है, वहां हिंदू देवताओं के मूर्तियां लगी हुई हैं, त्रिशूल हैं, स्वास्तिक के निशान हैं, शंख बने हुए हैं, कमल के फूल बने हुए, तो ये किसी मस्जिद में नहीं होते। निखिल, हम भी जानते हैं और इस्लाम के जानकार भी जानते हैं कि ये मस्जिद में तो शायद हराम माना जाता है। वही बात साधु निरंजन जी कह रहे हैं, वही बात योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, तो तमाम चीजें ऐसी उभर करके आ रही। जब एएसआई का सर्वे होगा और आगे के चरण की कार्रवाई होगी तो शायद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और जो न्यायालय उसको भी निर्णय देने में। एएसआई के सर्वे को लेकर के भी जानना चाहेंगे आपसे, कितना महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अयोध्या का जो पूरा विवाद था उसमें एएसआई के सर्वे ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अब यहाँ पर अदालत ने भी कहा है कि
एसआई का सर्वे होना चाहिए, उससे सच सामने आ सकेगा। किस तरह की कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह का ये सर्वे होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या कुछ उजागर हो सकेगा इसके जरिए? देखिए निखिल, राम मंदिर का जो निर्णय आया है उसमें एसआई के सर्वे के जो प्रमाण है, जो तथ्य हैं, वो महत्वपूर्ण रोल अदा किए हैं। और यहाँ भी, यहाँ तो बहुत सारी चीजें, वहां तो चूंकि टूट गया था और ऊपर एक चबूतरा बना हुआ था, यहाँ तो सारे तथ्य बाहर से सामने आ रहे हैं कि श्रृंगार गौरी जी का मंदिर, वहाँ मूर्ति लगी हुई, वहाँ पूजा होती रही है, जो तमाम निशान है। देखिए जब एसआई सर्वे करेगा तो मंदिर के नीचे क्या है वो मैपिंग की जाएगी, मंदिर के नीचे कौन से शिलाखंड है, मंदिर के ताखानों में क्या है, जो मस्जिद बन है उसके ताखानों में क्या कैद है, क्या मंदिर की मूर्तियां हैं वहाँ, क्या चीजें और पड़ी हुई हैं। तो वो जब सारी तथ्य निकल करके आएंगे तो वो आगे के जो मुकदमे की सुनवाई है उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। देखिए एसआई के सर्वे के बाद जो जो मुस्लिम पक्ष वो जानता है कि इसको मस्जिद के रूप में स्थापित करना शायद बहुत बड़ा काम होगा, इसलिए बार बार वो कह रहा है कि एसआई का सर्वे नहीं किया जाना चाहिए, वर्शिप एक्ट के आधार पर मुकदमा नहीं देखा जाना चाहिए, तमाम चीजें जो कह रहे हैं वो रोक रहे हैं, वो कानूनी रूप से अड़चन पैदा कर रहे हैं कि एसआई के सर्वे से तथ्य सामने ना आए। एसआई के तथ्य जैसे ही सामने आएंगे ये सारी अड़चने खत्म होगी और एक मार्ग प्रशस्त होगा, रास्ता न्यायालय के सामने खुलेगा कि वो निर्णय दे सके। जी निश्चित तौर पर, और शायद आम लोग भी ये चाहते हैं कि सच जो है वो सामने आ सके, और उसमें जैसा कि आज अदालत ने भी कहा कि कम से कम जो सारे तथ्य हैं वो आ सकेंगे, इसलिए सर्वे जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रामेंद्र। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपसे चर्चा करेंगे कि संसद में विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया है तो किस तरह से संसद की कार्यवाही आगे बढ़ रही है। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है, वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तो उसे पूछेगी बुढ़बा कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी। फोन लगा, और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। तो चर्चा के लिए तैयार है विपक्ष, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से, और इस पर ही हम चर्चा करेंगे। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के साथ एक नई शुरुआत हो चुकी है संसद में, क्योंकि पिछले 11 दिनों से संसद इंस्टॉल थी, हंगामा जारी था, लेकिन लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के साथ एक नई शुरुआत हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है, इसलिए संसद को दिल्ली पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है और ना ही पूर्ण संघ शासित प्रदेश। कांग्रेस सहित सभी बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को पूर्ण राज्य बनाने का विरोध करते आए हैं। अब तक अमित शाह ने जोर देकर कहा कि दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही है लेकिन कभी भी अधिकारों को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद लगातार अधिकारों को लेकर झगड़ा सामने आया है, जो दरअसल उनका मकसद बताता है। काफी दिनों से लगातार हंगामे से आहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सख्त नाराजगी जताई थी और कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया था, और इस पूरे मुद्दे को देखते हुए विपक्षी सांसदों ने उन्हें मनाने और कार्यवाही में हिस्सा लेने का आग्रह किया था, और उसके बाद आज ये संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से कम लंच के बाद चल सकी है। खबर है कि विपक्षी गठबंधन के नेता अब मणिपुर पर भी चर्चा के लिए तैयार हैं, संभवतः अब उनकी रूल की यानी कि जो नियमों के आधार पर जो थी वो शर्त नहीं होगी। दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि सिर्फ गठबंधन बनाने के लिए व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी ने संघीय ढांचे और क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने का आरोप सरकार पर लगाकर विपक्षी दलों को अपने समर्थन में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब आप नेता राघव चड्ढा जगन रेड्डी और नवीन पटनायक को देशद्रोही करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि यह बेवफाई बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस की मजबूरी रही है। राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली अध्यादेश को लेकर केजरीवाल अपनी बड़ी भूमिका चाहते हैं, और शायद विपक्षी एकता के पीछे का ये सारा जो सियासत थी वो भी यही थी। जाहिर है उन्होंने इस बिल को एक मौके के तौर पर देखा था जो शायद अब मिलना मुश्किल है। संसद में चर्चा की शुरुआत एक शुभ संकेत है।
और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद को दिल्ली से संबंधित कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है, तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली। 239AA3B बहुत स्पष्ट है, इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी एकता पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन बनाने के लिए जनता के हितों की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, एलायंस की मत सोचिए। एलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। एलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये एलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। दिल्ली सरकार के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को प्रचिन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए उनको भी सुनते हैं। 1991 में द पार्लियामेंट ऑल्सो पास द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट टू सप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द लेजिस्लेटिव असेंबली and the council of ministers. It conferred on the assembly the power to legislate on all matters in the state list as well as the concurrent list except land, police and public order. Further, in 2018, the constitution bench of the Supreme Court has dealt with the issue of the powers of Delhi government. Supreme Court involves the interpretation of article 239AA of the constitution, which deals with the governance structure of the national capital. In the ruling, the constitution bench held that although Delhi could not be accorded the status of a state, the concept of federalism would still apply to it. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ में लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है लोकेश जी। साथ ही साथ बीजेपी के मनोज कुमार यादव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनोज जी स्वागत है आपका। हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए हैं, हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। राजेश सबसे पहले आपके पास आएंगे और करंट अपडेट जानना समझना चाहेंगे, क्योंकि 11-12 दिनों के बाद संसद आज चल सकी है, ये सुखद है। लंच के बाद ही सही, लेकिन कम से कम जो गतिरोध है वो टूटा है। बिल्कुल सही कहा निखिल, कि भले ही शोर शराबे का आलम रहा हो, लेकिन शोर शराबे के आलम के बीच ही कम से कम राज्यसभा में प्रश्नकाल का संचालन हो पाया, छिटपुट लोकसभा की कार्रवाई जो है वो भी हो पाई, और 2 बजे के बाद तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो लोग हैं वो भी हाउस के भीतर नजर आए। और सबसे जो चौंकाने वाली बात रही कि 2 दिनों से नाराज चल रहे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो भी आसन पर तब नजर आए जब सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर तकरीर करते हुए नजर आए। और गृहमंत्री अमित शाह ने जब दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक की जो पूरी जो सियासत थी उसको उन्होंने कोट किया और कहा कि विजिलेंस के दुरुपयोग का जो मसला है उसको कंट्रोल में करने के लिए इस विधेयक का अरविंद केजरीवाल विरोध कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से जो अपने घर का निर्माण उन्होंने किया है, इन तमाम तथ्यों को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अगर वो
विजिलेंस का या अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग करना चाहते हैं तो ऐसा कतई नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि तमाम तरह के गठबंधन भले ही बना लिए जाएं, प्रचंड बहुमत से 2024 में सरकार नरेंद्र मोदी की ही बनेगी। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, उन्होंने एक शेर कोट किया, साहब जाफरी का एक कोट है, जिस कोट को शेर को हमेशा विपक्ष के नेता के तौर पर सुषमा स्वराज कोट किया करती थी। मुझे 2009 से 14 के बीच का जो वो दौर था निखिल, जब सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी और उस समय संसद कवर करना हमने शुरू ही किया था, उस शेर का जिक्र जो है अधीर रंजन चौधरी ने किया और कहा कि ये तू इधर उधर की बात न कर, पहले ये बता कि काफिला लुटा कैसा। और ये शेर सुषमा स्वराज अक्सर मनमोहन सिंह के लिए सुनाया करती थी जब वो विपक्ष की नेता थी और टूजी और कोलगेट घोटाले का उस समय जो था वो भारी दौर था। राजेश, तो ये तो निश्चित तौर पर जानने की बात होगी कि दरअसल कहां लूटा, क्योंकि ये जो आरोप है ये लगातार सियासत में लगाया जाता है कि कारवां लूटा कैसे, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां लूटा कैसे। फिलहाल अपने संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा को जोड़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे विनोद जी आपसे, 12वें दिन ही कम से कम चर्चा की शुरुआत हुई है, सुखद है, लेकिन इस पूरी सियासत दिल्ली सेवा बिल को किस तरह से देखते हैं? हमारी रिपोर्ट अभी आपने देखी, जो नेता हैं प्रतिपक्ष उनकी भी बाइट सुनी, अमित शाह को भी सुना, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से निखिल, जैसे आपने रिपोर्ट में बता रहे थे, ये एक सुखद संयोग माना जाएगा कि आप इस देखिए कि 20 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत के बाद ऐसा माहौल आपने पहली बार भी देखा होगा। हम लोगों ने भी देखा है लोकसभा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से और अपनी अपनी चर्चाओं को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं और जो एक बेहतर संसद की प्रक्रिया है और कार्रवाई है उसको हम लोग एक बार एक बहुत दिन के बाद ऐसा लगा कि एक तरह का आप कह सकते हैं कि शुभ संकेत है। रही बात कि आज के जो सबसे आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण दिन आज इसलिए भी है कि आप ये विपक्षी एकता का जो INDA है उनका भी एक तरह से शक्ति परीक्षण का दिन है और ये जो आप चट्टानी एकता देख रहे हैं, क्योंकि आप लोकसभा में, हमें पता है कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सिर्फ एक सांसद हैं और जाहिर सी बात है इतने बड़े संशोधन को लेके उनके साथ उनके पास में बोलने वाले शायद कोई ऐसे दूसरे नेता नहीं होंगे, तो अधीर रंजन चौधरी इसका मोर्चा संभाले हुए हैं क्योंकि कांग्रेस का और केजरीवाल के साथ में इसका एक पहले से ही एक शर्त था कि कम से कम आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी चर्चा में हिस्सा लेगी और इस तरह अधीर रंजन चौधरी ने अपने उस कर्तव्य को पूरा किया है। ये तो उनकी अपनी जो भी चीज़ होगी या वो शर्त है या मजबूरी है वो जाने, लेकिन ये संयोग आप जो कह सकते हैं कि आज जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस चर्चा में भाग लेते हुए जब इसकी शुरुआत की थी तो एक तरह से जो ये कंफ्यूजन और नैरेटिव्स था उस पर उन्होंने एक तरीके से बड़ा सटीक प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे, टॉप लीडर, चाहे वो नेहरू जी से लेके और अभी तक अंबेडकर साहब तक का भी उन्होंने चर्चा की है कि दिल्ली को एक पूर्ण राज्य के दर्जा देने के पीछे न देने के पीछे उनका अपना एक ठोस और तर्क, एक मजबूत तर्क रहा है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और डेफिनेटली इसको न संपूर्ण एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और न इसको एक पूर्ण संघ शासित प्रदेश की बात, जो उन्होंने खुद अपने संसद के इस पटल में उस बात कहते हुए उन्होंने कही है। तो जाहिर सी बात है संसद को इस तरह के राज्य के, इसका कम से कम दिल्ली को लेके कानून बनाने का उनका अधिकार है और ये बात उन्होंने एक संवैधानिक अपनी जो उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है उसको कोट करते हुए बात कही है। ठीक, रही ठीक, बात कि अब जो उनका तर्क है, विपक्ष का जो तर्क है जिसको अधीर रंजन चौधरी उसी नैरेटिव को दे रहे थे और वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि इससे संघीय ढांचा जो ये राज्यों का है उसमें बिगड़ने की खतरा का अंदेशा वो करते हुए दिख रहे थे। तो यही अंदेशा को लेके केजरीवाल पिछले 3 महीने से हर स्टेट का, लगभग विपक्ष के सारे स्टेट का दौरा कर चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं कि ये जब कभी अगर ये दिल्ली का बिल आ जाता है और सरकार के फेवर में ये बिल पास हो जाता है दोनों सदनों से तो इसका इम्पैक्ट दूसरे राज्यों पे पड़ेगा। तो शायद उनके इस भ्रम को BJD हो या YSR कांग्रेस के हो या फिर दूसरे पार्टियों ने उनके इस भ्रम को तोड़ दिया कि आप गलत भी मत पालिए, पूर्ण राज्य का दर्जा एक अलग चीज़ है और केंद्र शासित प्रदेश का भी अपना एक अलग ये है और दिल्ली का एक अपना एग्जिस्टेंस है। निखिल जी, निश्चित तौर पर लोकेश जिंदल जी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि भ्रष्टाचार की जानवी जिसको लगातार BJP कह रही है आम आदमी पार्टी के लिए, कह रहे हैं कि आप गठबंधन के लिए इतने व्याकुल थे कि आपने आम आदमी पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया, जो सदियों जो वर्षों से आपका स्टैंड था दरअसल दिल्ली को लेकर के, चाहे वो BJP का और कांग्रेस का, कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, उसको भी आपने सरेंडर कर दिया केजरीवाल के साथ गठबंधन बनाने के लिए।
देखिए, भ्रष्टाचार का अर्थ होता है जब कोई मूल्यों से अलग चले और उस विचारधारा जिसके तहत एक व्यक्ति को, कानून को, समाज को चलना चाहिए, उसके विपरीत चले। ठीक है। आज की जो सरकार है, हमारी केंद्र की सरकार, वो संविधान के मूल्यों के विपरीत चल रही है। अगर हम संविधान की बात करते हैं, संविधान क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली स्थापित करता है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि अगर आप सरकार को अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं दोगे तो वो सरकार ही नहीं रहती, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी ही नहीं। इलेक्टेड गवर्नमेंट का अर्थ तभी है, वो उसका एग्जिस्टेंस तभी है जब वे अधिकारियों पर, प्रशासन पर एक तरह का कंट्रोल कर सके। तो जब 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जब हम बात करते हैं द कैपिटल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसकी स्थापना की गई है, पास्ट से इसकी तुलना किया जाना सही नहीं है, क्योंकि पहले इतिहास में इसकी जनसंख्या अलग थी, इसका स्वरूप अलग था, और जब से, यानी कि पिछले, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में इसका स्वरूप बदल गया जब आप लोग सत्ता में थे, और उसके बाद से, उसके बाद से अब स्थितियां बदल गई हैं, इसलिए सारी चीजें बदल गई। नहीं, आपका स्टैंड बदला ना, उस पर मैं पूछ रहा हूँ। पुलिस और भूमि, पुलिस और लैंड जो है, ये अभी भी केंद्र सरकार की तरफ, तो एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। तो आज भी अगर हम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के पास स्टेट लिस्ट के सभी सब्जेक्ट नहीं है। तो यूनियन का ये कहना कि एक तरह से राष्ट्रहित के लिए यूनियन का कंट्रोल दिल्ली पर होना आवश्यक है, इसके लिए संविधान ने काफी प्रोविजन उन्हें दे रखे, लेकिन अगर अधिकारियों के ऊपर आप कंट्रोल छीन लेंगे सरकार से, तो उस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अच्छा, तो ये ज्ञान दरअसल, इसको ऐसे मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये जानकारी आप लोगों को कब हुई? मतलब ये अभी रिसेंटली केजरीवाल से जब आपका गठबंधन हुआ तब ये जानकारी हुई, उसके पहले नहीं थी? ये जानकारी हमें हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। ठीक है, ठीक है, चलिए आप इस पे जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी समझ में आ गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपको जानकारी दी तब आप लोग जान पाए, अदरवाइज अभी तक आप सत्ता में रहे आपको पता नहीं था। मनमोहन सिंह की सरकार चली 10 वर्ष, उसके पहले भी आप सत्ता में रहे, दिल्ली में भी रहे, केंद्र में भी रहे, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हो पाई है। मनोज यादव जी इसके बारे में बताएंगे। जी मनोज जी, आपको लगता है कि ये जानकारी का अभाव था, जिस तरह से कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली इनको? जी निश्चित रूप से मुझे लगता है जानकारी का अभाव, कहते ना अंधे के आगे रोए अपनी आंखें खोए, तो वही कहावत इन पर चरितार्थ होती है। इनको ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, यही कोई बेवफा नहीं होता है। देखिए, आपने देखा होगा माननीय गृहमंत्री जी ने जिस तरह से संसद के पटल पर कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के समय जब संविधान की चर्चा पर जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर, स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये राष्ट्रीय राजधानी है, इसको यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, इसको विशेष प्रावधान देने चाहिए, और उसके बाद में आपने देखा होगा 69वां संविधान संशोधन आया और एनसीटी एक्ट 1991 आया, जिसके तहत पहली बार विधानसभा का यहाँ पर पदार्पण हुआ और विधानसभा के चुनाव होने लगे। उसके बाद आप देखिए कि 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, कभी हम केंद्र में रहे, कभी ये लोग केंद्र में रहे, तो लगातार काम होते रहे, लेकिन जब से केजरीवाल जी आए, मुझे लगता है एक सत्ता लोलुप ऐसे हैं कि लगातार इस तरह की अनर्गल बातें करना और उनका एक ड्रामा प्रोपेगेंडा करना उनका एक एजेंडा रहा है। अब आते हैं सेवा बिल के ऊपर। निखिल जी, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिस तरह से बता रहे हैं, जजमेंट के बारे में 11 मई का जो फैसला है, 105 पेज का फैसला है, जिसमें 85वां जो पैराग्राफ 85 है, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के ऊपर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उसके बाद में 95 पैरा के अंदर, जजमेंट के अंदर साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, इसके अलावा भी लैंड पुलिस जी, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी कानून बना सकती है। उसके बाद में आर्टिकल 239AA3B, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो दिल्ली के क्षेत्राधिकार के लिए कानून बना सकती है। उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के पास अधिकार है, संसद के पास पूरी पावर है कि वो दिल्ली के लिए कानून बना सके।
अब विषय आता है कि ये किस तरह की बातें बोल रहे हैं कि हमें अभी पता लगा। आपको ध्यान में होगा कि मेरे पास दो तीन एग्जांपल है, 2005 बैच के आशीष मोरे जी हैं और 2010 बैच के आईएएस वीवी जी हैं। तो इन्होंने आरोप लगाया, इन्होंने कहा कि जिस तरह से इन्होंने काम तो किए नहीं, जो बड़े बड़े कारनामे किए थे, शराब घोटाला हो चाहे आपका सीस मेल खड़ा करना हो, तो जब विजिलेंस की चीजें आई, जब इन अधिकारियों के सामने जब तथ्य सामने आने लगे, तो किस तरह से उनको धमकी दी गई, किस तरह से सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि जो मैं कहता हूं डिक्टेट करता हूं वही करो तुम, इससे अलग इसके अलावा नहीं करोगे, तो किस तरह से अधिकारियों को टॉर्चर किया जा रहा था, उसी के अवैध में एक ये सेवा बिल लाने का प्रयास किया जा रहा है जो दिल्ली के हित में है। ये पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से ये सेवाओं में इनका पदस्थापन हो चुकेगा। इसमें एक बॉडी होगी जिसके एक निकाय होगा जिसमें जो सीएम है वो चेयरपर्सन होंगे, जो चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, उसके सदस्य होंगे और वो पूर्ण बहुमत के हिसाब से फैसला लेंगे, फिर एलजी साहब उसको लागू करेंगे। तो मुझे बताइए इसमें गलत क्या, अगर इसमें निखिल जी बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी गलती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, तो मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय को स्टे दे देना चाहिए था। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दिया इसके ऊपर? नहीं दिया। ठीक, लेकिन लोकेश जी को एक बात और बता दूं, देखिए गठबंधन की राजनीति करनी है, कुछ मजबूरियां हैं आपकी, लेकिन मैं बता देता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। कुमार विश्वास हो, अन्ना हजारे हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, किरण बेदी हो, बहुत लंबी फहरिस्त है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो बच्चों की सौगंध खा के कहते थे कि नहीं मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, उन्होंने सरकार उनके साथ बनाई। और मैं अभी भी कहता हूँ कि आपको लगातार गाली देते, सबसे बड़े कोई चोर है, भ्रष्टाचारी है सोनिया गांधी है, ईडी सीबीआई लगाइए, देखिए क्या हसरा होने वाला, लालू प्रसाद सबसे बड़ा करप्ट है, चारा घोटाले का माफिया है, आज उन्हीं की गोदी में आप लोग बैठ गए, तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली की जनता के साथ में ये धोखा है और दिल्ली की जनता समझती है कि किस तरह से गठबंधन की राजनीति के कारण दिल्ली के हितों को नकारा जा रहा है। ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी। लोकेश जिंदल जी, ये आरोप लगातार लग रहा है और आप लोग जानते हैं कि किस तरह से चाहे कांग्रेस के एक समय था कि जो आपके शीर्ष नेता जब आपका साथ देते थे, मैं यही कहूंगा क्योंकि दिल्ली का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ सारी राजनीति की, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए और अब उन्हीं के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया जी हम तो उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो ऐसे में मजबूरियां आप लोगों के सामने आ गई हैं। और जब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल के पूरे भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने में कांग्रेस आगे 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 आ रही है, कैसे देखेंगे इसको? गठबंधन क्या इतना जरूरी था? मोदी के खिलाफ जो द्वेष है ये कहा जाए या ये कहा जाए राजनीतिक गठबंधन है, उसके आगे आपने जो अपनी सारे जिसको कहना चाहिए इसके पहले के जो स्टैंड्स थे उन सब को स्वाहा कर दिया, होम कर दिया। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जब राजनीति की जाती है तो राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो जाता है, जनता का हित सर्वोपरि हो जाता है। जिस तरह से वर्तमान सरकार संविधान के मूल्यों के विरुद्ध कार्य करती जा रही है, भले ही वो ऑर्डिनेंस लेकर आना, संसद का ना चलना, अपनी सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज करना, ऐसी नीतियां लेके आना जिसमें केवल और केवल धर्म जाति भाषा, वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट कमेंट्स दे, मैं इससे ये एक परसेप्शन निकालूंगा कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस अकेले लड़ने के लिए समर्थ नहीं थी इसलिए वो आम आदमी पार्टी का उसने 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 उसके साथ लिया। और उसकी विचारधारा ने इस देश को, इस लोकतंत्र को मजबूत किया है और अब कांग्रेस और उसकी विचारधारा इसे कमजोर होते नहीं देख सकते। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ आप चले गए हैं, आप इसको इस तरह से समझना चाहेंगे? अगर इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए कोई भी दल, कोई भी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी होना चाहती है, दरवाजे खुले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए समझ गए। विरोध, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मनोज जी? बहुत जल्दी से जी, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में खत्म करें जी। जी, पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है, चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला। ये बहुत लंबी क्लिप है, ये बड़ी लंबी है। लबुलवाब यही है कि देखिए जिस तरह से
मैं अभी भी कह रहा हूँ गठबंधन आप बेशक कर लिया है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा गठबंधन कितना ही कर लीजिए माननीय नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और 2024 के अंदर भी प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इनके जो बेनकाब चेहरे थे सब दुनिया के सामने आ गए, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले, वंशवाद पर आरोप लगाने वाले, परिवारवाद का आरोप लगाने वाले, जो खुद भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की जननी है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जितने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी, आजाद भारत के इतिहास में एक चीज और भी बताता हूं, अरे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं लोकेश जी, हम आरोप नहीं लगा रहे, नेहरू जी के समय फिरोज गांधी जी ने आरोप लगाया, राजीव जी के समय में आप ही के वित्त मंत्री वीपी सिंह ने आरोप लगाया, और 2G का मामला आया तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कैक का ऑब्जर्वेशन था, अभी राजस्थान का हालिया का एक मामला है कि किस तरह से लाल दाढ़ी मनोज जी काम कर रहे जी, मनोज जी समय नहीं हमारे पास, ठीक है की जननी है, ठीक है, मैं कहता हूँ सारे जो माफिया है, जो शराब घोटाले वाले लोग हैं, सत्येंद्र जैन है, तो सारे चोर मुसेरे भाई एक जगह इकट्ठे हो रहे, तो कोई बात नहीं, चलिए भ्रष्टाचार पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। मनोज जी अभी आप इंतजार कर लीजिए, अपने संपादकीय सलाहकार के पास जाएंगे। विनोद जी समय बिल्कुल नहीं है, आपके आखिरी कमेंट्स चाहेंगे, 30 सेकंड्स, बिल्कुल 30 सेकंड से ज्यादा मत रखिएगा। हां मैं बिल्कुल समझ रहा हूं निखिल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं थोड़ा सा इसके जो हमारे लोकेश जिंदल हैं वो कांग्रेस के अच्छे नेता हैं और साथ साथ वो वकील भी हैं, और बड़ी तरीके से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की इस पहल को और अपनी जानकारी को ये हम लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, मैं बस उनको इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि लोकेश जी इस बात को हमसे शायद बेहतर जानते होंगे लीगल मामले को, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो ये आया था दिल्ली के ट्रांसफ़र ऑर्डर का, उसके बाद ये बड़ी बेंच में क्यों गई, क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ये मामला जो है वो बड़ी बेंच में जानी चाहिए। रही बात सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी केजरीवाल ने जब फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए तो आप जान सकते हैं कि उसके बदले में केजरीवाल को कोई राहत देने के बदले वो बड़ी बेंच को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था, इस बात को बेहतर जानते होंगे। रही बात जब आपने उनको सवाल पूछा था उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, आज ही पंजाब की स्टोरी देखिए क्या है जी, पंजाब के जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, पंजाब के 4 मिनिस्टर जो फॉर्मर हैं वो अभी जेल में है, आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार ने विजिलेंस लगा के इनको बदला निकालने के लिए अपना पूरा कार्रवाई वहां पे तेज की है जी। तो वहां पंजाब में इनके ही पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो जेल के सलाखों में हैं जी बिल्कुल, और अगर कार्यकर्ता चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो लगातार वो विरोध कर रहे हैं इस बात का, मैं ये बात पूरी कर लूं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ संघर्ष भी कर रहे हैं। हाँ डेफिनेटली निखिल मैं यही बात पूरी कर रहा हूँ कि ये मैं सवाल इसलिए उनको लोकेश जिंदल को कह रहे हैं कि जब आप ये नैरेटिव देते हैं राष्ट्रीय हित की बात आप कहते हैं तो आप पश्चिम बंगाल से लेकर और पंजाब तक आपके कार्यकर्ता आपके सीनियर लीडर्स किस तरह का इस परेशानी को झेल रहे हैं आम आदमी पार्टी गठबंधन से और उधर टीएमसी से, लोकेश जिंदल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लोकेश जिंदल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि मुझे लगता है इस बात का जवाब अमित शाह ने खुद दिया है। हां बहुत ही जी सभी ने आपत्ति जताई, दरअसल वो बिल्कुल पब्लिक फोरम पे है लोकेश जिंदल जी, बिल्कुल समय समाप्त हो गया, बहुत जल्दी से एक सेंटेंस में बताइए जी। जी बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है, लेकिन भाजपा की दोगली राजनीति तो देखिए, सुवेंदु अधिकारी उन पर जो करप्शन चार्जेस थे वो हटा दिए जाते हैं। चलिए अब करप्शन पर मैंने पहले भी मनोज जी को भी रोक दिया था, मैंने मनोज जी को भी रोक दिया था, करप्शन पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। चलिए लोकेश जी मनोज जी आप दोनों लोग, मनोज जी और लोकेश जी करप्शन पर हम प्रॉमिस करते हैं फिर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। चलते चलते आखिरी में मैं राजेश राज बहुत शॉर्ट में एक कमेंट जानना चाहता हूं कि इतने समय से संसद का ये जो सत्र चल रहा है, चल नहीं पा रही थी संसद, जो संसद सदस्य हैं, जो राजनीतिक दलों के साथ मजबूरियां कुछ भी होती हों, जो नॉर्मल सांसद और खासतौर पर फर्स्ट टाइमर्स जो हैं, कितने खुश हैं आज जब संसद चल रही है उसके बाद से। देखिए सदन की कार्यवाही चलने से न सिर्फ सांसदों में खुशी का माहौल था बल्कि लोकसभा स्पीकर की जो नाराजगी थी वो भी निखिल खत्म हो गई। हालांकि जब पीयूष गोयल ने इंटरवीन करने की कोशिश की तो कई लोकसभा सदस्यों ने, खास करके कांग्रेस की तरफ से किसी ने कहा कि पीयूष गोयल कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, तो फिर आक्रामक हुए ओम बिरला और उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट मंत्री हैं और ये चर्चा में शामिल हो सकते हैं। मामला राज्यसभा का
जो है वो ये कहा जा रहा था कि पीयूष गोयल राज्यसभा से है, तो कहीं ना कहीं संसद जो है बहस विमर्श और वोट के लिए है, तकरीर के लिए है, डर और डंडे से इसे नहीं चलाया जाना चाहिए। और राम मनोहर लोहिया हमेशा ये कहते थे कि बहस विमर्श और वोट से संसद चलाओ, अपनी बात रखो और देश की जनता का जो हित है वो सर्वोपरि होना चाहिए। और यही मैं समझता हूँ कि इस मानसून सत्र की सबसे बड़ी कामयाबी है कि आज दिल्ली सेवा विधेयक के जरिए ही सही सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं, दोनों हो रहा है, चर्चा हो रही है और ये एक सबसे अच्छी बात है। विनोद जी बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका भी शुक्रिया, लोकेश जिंदल जी आपका भी शुक्रिया और मनोज जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सभी का शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। और इसके बाद बढ़ेंगे, जो हमारी अगली खबर है वो है केरल से जुड़ी हुई और केरल की सियासत से जुड़ी हुई, केरल स्पीकर के विवादित बोल। केरल विधानसभा के अध्यक्ष ए एन शमशीर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित बयान देकर फंस गए हैं। दरअसल उन्होंने भगवान श्री गणेश के खिलाफ एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद पूरे राज्य में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ज़बरदस्त एक माहौल बना हुआ है। और शमशीर पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया है, उन्होंने भगवान श्री गणेश को सिर्फ एक मिथक करार दिया है। स्पीकर ने एर्नाकुलम में एक स्कूल के कार्यक्रम में कहा था कि भगवान गणेश एक मिथक हैं और इस मान्यता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उन्होंने प्रश्नचिन्ह लगाए थे। बीजेपी सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों ने स्पीकर को हटाने की मांग की है। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। हिंदूवादी संगठन मुखर होकर व्यापक विरोध करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से माफी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मुद्दे पर माफी मांगे, उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है। वहीं नायर समुदाय शमशीर की टिप्पणी का राज्य भर में व्यापक का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक आस्था को वैज्ञानिक मान्यताओं से नहीं आंका जा सकता। वहीं केरल में सत्तारूढ़ CPIM ने बुधवार को कड़े लहजे में कहा कि शमशीर हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपने विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे उनका तुष्टीकरण और वोट बैंक का एजेंडा है। इस बीच केरल स्पीकर ने कहा है कि उनके बयान का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। केरल स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि उनके बयान का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। यह देखने में आया है कि राजनीतिक हित साधने के लिए धार्मिक मान्यताओं और आस्था पर चोट करने का चलन होता जा रहा है। पिछले दिनों भी कुछ नेताओं ने रामचरितमानस, हनुमान जी और दूसरे देवी देवताओं पर अनर्गल और अनावश्यक टिप्पणियां की थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि धार्मिक भावनाएं भड़काकर एक वर्ग या समुदाय विशेष की आस्था पर चोट पहुंचाकर तुष्टीकरण की सियासत करना क्या लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ नहीं है? और इस मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। केरल विधानसभा के अध्यक्ष का अपनी राय रखने का स्वतंत्रता होने के बावजूद भी दूसरे का दिल दुखाने का और दूसरे के आस्था पर प्रहार करना, ये बहुत गलत है। और मैं मानता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी जिस बेशर्म तरीके से इसका बचाव कर रही है वो बहुत गलत है। और स्पीकर है, अपने स्थान पर से सदन के अंदर फैसले करें। ये थे हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी, जो बता रहे थे कि जिस तरीके से केरल के विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा टिप्पणी की गई है वो ठीक नहीं है और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की उनकी कोशिश है। नीरज सिंह, DD News, दिल्ली। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपसे जानना समझना चाहेंगे, ये एक बड़ा चलन सा हो गया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओ और वोट बैंक की जो राजनीति है उसको साधो, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी राजनीति को और ख़ासतौर पर केरल के इस विशेष संदर्भ में? कहीं ना कहीं ये पूरा जो घटनाक्रम है वो दुखद है। देखिए, बिल्कुल दुखद है। और जब विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद पर बैठा व्यक्ति कोई इस तरह की टिप्पणी करता है कि जो समाज में दरार पैदा करने की जो मंशा होती है जिसकी टिप्पणी से, या ये कहें कि जिनके कथन से
समाज में डिस्टरबेंस जो पैदा है वो हो सकता है, तो निश्चित तौर पर ये टिप्पणी ठीक नहीं है। और आप देखें कि जिस तरीके से तमाम देवी देवताओं के ऊपर जो लोग आरोप लगाते हैं, जबकि बड़े पैमाने पर आपने देखा है कि किस तरह से धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, और उससे और यहाँ पर भी देखें जब आप गणेश जी के औचित्य पर सवाल उठाते हैं, पुष्पक विमान के औचित्य पर सवाल उठाते हैं, तो जिन परंपराओं को हम सदियों से अपने साथ लेकर चल रहे हैं उन परंपराओं पर एक तरीके से प्रहार करके आप ये बताते हैं कि आप जिन परंपराओं का पालन कर रहे हैं, जिस धार्मिक मान्यता का आप पालन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो एक भ्रम है। तो निश्चित तौर पर इससे जो परेशानियां हैं वो समाज में पैदा होंगी, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है और ये कहा है कि उनको अपनी इस टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये कह देना कि उनके जो संदर्भ हैं, जो उनका जो तथ्य है उसके गलत संदर्भ निकाला गया, कहीं ना कहीं आप इसको जानते थे तभी आपने जानबूझकर इस टिप्पणी की, और आपको समाज से और जो जनता है, केरल की जनता है, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तभी इस मामले का समाधान होगा। भारतीय जनता पार्टी एक बात और जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे, CPIM का कहना है कि अध्यक्ष जी माफ़ी नहीं मांगेंगे, यानी कि वो जो BJP का आरोप है कि अभी भी इस मामले में आग में घी डालने का काम और जो तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप जो BJP लगा रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। देखिए बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि अगर आपकी मंशा गलत नहीं है तो आपको दो शब्द कहने में क्या आपत्ति हो सकती है, जबकि आप विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद पर आसीन हैं, और जिस तरीके से ये कहना कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो कम से कम दिखा रहा है कि वो जिस बात को जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया है उस बात पर अड़े हुए हैं और किसी भी तरह का दुख नहीं है उनको, और उनके जो शब्द हैं वो अभी भी बरकरार हैं, यही कारण है कि उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। तो ये दुर्भाग्य कि आप समाज में पहले अपनी बात रखते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, किसी के धार्मिक प्रतीकों का आप अपमान करते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगे, तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कोरी राजनीति है। जी जी, निश्चित तौर पर तो इस पे राजनीति की बात जो कही जा रही है वो सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक की सियासत इस वक्त गारंटी से दबी हुई नजर आ रही है, क्योंकि गारंटी से दबी हुई दरअसल कांग्रेस की सरकार भी वहां नजर आ रही है। कर्नाटक सरकार दिल्ली में है, वजह विकास फंड रोके जाने से विधायक नाराज हैं, वजह उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कह दिया है कि एक साल तक कोई विकास के कार्य नहीं हो सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री BR बोम्मई कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी कैबिनेट दिल्ली में डेरा डाले हुए है और राज्य में सब कुछ ठप पड़ा है। तो ऐसे में बसवराज बोम्मई पूर्व मुख्यमंत्री, उनका यह कहना है कि अगर सब निर्णय आला कमान से होना है तो फिर राज्य सरकार का क्या औचित्य रह जाता है। सिद्धरमैया सरकार के सामने कांग्रेस पार्टी की 5 चुनावी गारंटी को लागू करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि जो फंड है वो जुटाना मुश्किल साबित हो रहा है सिद्धरमैया सरकार के लिए। पहली कैबिनेट में इसे लागू करने की बात अब सरकार भूल चुकी है, वहीं MLAs अब अपने अपने क्षेत्रों में विकास के लिए फंड मांग रहे हैं और उसके लिए अड़े हुए हैं। संभव है कि MLA और मंत्री समूह के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जो विधायकों के गुस्से को शांत कर सके और उन्हें अपने क्षेत्रों के लिए फंड मुहैया करा सके। खबर है कि राज्य सरकार SC ST कल्याण के 11,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 5 गारंटी के मद में करना चाहती है। BJP के विरोध के बाद कई विधायकों ने भी इसका विरोध किया है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने अपने विवादित बयानों से जनता के बीच नई बहस तेज करने की कोशिश की है। प्रियांक खड़गे कभी गोवंश हत्या के नाम पर तो कभी हिजाब मामले पर बयान देकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। प्रियांक खड़गे का बयान पार्टी के जीतने के बाद जब कर्नाटक में था उसके बाद भी आया था, सुर्खियों में था, लगातार इस तरह के बयान उनके आते रहते हैं। और मीडिया की खबरों के मुताबिक इस बार प्रियांक ने कहा कि बिहार UP MP से यहाँ लोग काम करने आते हैं लेकिन यहाँ के लोग कभी दूसरे राज्यों में नहीं जाते। अब उत्तर दक्षिण के इस विवाद से प्रियांक जो भी राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहें लेकिन लोग उनकी सियासत को समझने लगे हैं। राज्य सरकार ने सालाना बजट में 5 गारंटी के लिए 52,000 करोड़ रुपए का अनुमान रखा है जो उसके उनके लिए अब टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। 5 गारंटी के लिए सरकार साधन नहीं जुटा पा रही है और यही वजह है कि आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। सच ये भी है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती और कर्नाटक के लोग भी इसे जान रहे हैं, लेकिन ये चेतावनी सभी सियासी दलों के लिए भी है कि शॉर्टकट की सियासत का शॉर्ट सर्किट होना तय है।
और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई का कहना है कि अगर सब निर्णय आला कमान से होना है तो फिर राज्य सरकार का क्या औचित्य है। सिद्धरामैया टेकिंग इज एंटायर कैबिनेट टू दिल्ली इज अनप्रेसिडेंटेड, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटक पॉलिटिक्स अ चीफ मिनिस्टर हैज टेकन एंटायर कैबिनेट टू द पार्टी हेडक्वार्टर्स पार्टी हाईकमांड। This shows that all is not well in Karnataka. There are charges made by the ruling party, MLAs, workers. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम बेंगलुरु से जुड़ी हुई है। आयशा, एक बड़ी अभूतपूर्व स्थिति कर्नाटक की सियासत में बनी हुई है। कांग्रेस ने कुछ वादे किए जनता के बीच में, अब उनको पूरा करने के लिए हलकान हो रही है और उनके ही जो विधायक हैं वो विरोध पर उतारू हैं क्योंकि फंड उनके क्षेत्रों के विकास के लिए नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो कांग्रेस की हालत है इस समय, कांग्रेस के सामने जो चुनौती है कि फंड नहीं होने की वजह से जो पांच वादे किए हैं वो पूरे करने में मुश्किलों का सामना कर रही है। ये एक सबक है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कि ज्यादा पॉपुलिस्ट स्कीम्स अगर अनाउंस करते हैं, ज्यादा फ्री वेलफेयर मेजर्स अनाउंस करते हैं तो इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है जहां पार्टी को और सरकार को खुद अपने विधायकों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए 33 से ज्यादा विधायक कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों ने पत्र लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया था और कहा था कि उन्हें अपने इलाके में विकास के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है। देखिए कर्नाटक में एमएलए फंड के तहत करीब 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का फंड विधायकों को दिया जाता है और ये विधायक इस्तेमाल भी करते हैं छोटे मोटे काम के लिए, अपने क्षेत्र में बस स्टैंड बनाने के लिए या सड़कों की मरम्मत के लिए। तो ये जो राज्य सरकार का बजट का अनुदान होता है उससे अलग उन्हें अपने अपने क्षेत्र में छोटे मोटे कार्य के लिए 2.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का फंड मिलना होता है, लेकिन अभी तक यहां पर कांग्रेस में किसी भी विधायक को एमएलए लैट फंड नहीं मिला है। तो यही उनकी नाराजगी है, यही उनका गुस्सा है कि वो किसी तरह से असमर्थ हैं अपने क्षेत्र में लोगों को मदद करने के लिए, अपने क्षेत्र में छोटे मोटे कार्य पूरे करने के लिए। हालांकि कर्नाटक सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया है और उसमें विकास के कई कार्य हैं, लेकिन सबसे अहम प्रायोरिटीज जो हैं वो ये 5 स्कीम्स हैं जिसके चलते सरकार अलग अलग जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वहां से पैसे निकालकर ये 5 गारंटीज को पूरे करने की कोशिश कर रही है। तो ये बात जो है विधायकों की जो नाराजगी जो है अब AICC के पास पहुंची शिकायत और इस यही वजह है कि AICC आलाकमान के जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने इन तमाम विधायकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया। हालांकि मुद्दा था लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी का, तैयारी करना और चर्चा इस बात को लेकर होनी थी, लेकिन विधायकों ने और कुछ मंत्रियों ने खुलकर ये बताया है आला कमान को कि कैसे उन्हें फंड नहीं मिल रहा है और कैसे वो असमर्थ हैं अपने ही क्षेत्र में विकास के कार्य करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और रही बात प्रियंक खड़गे की, जो सोशल मीडिया के हेड हैं और शायद उनकी सोशल मीडिया की जो उनकी जो लगातार ट्वीट करने की आदत है उसके चलते वो बयानबाजी करके कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और उन्होंने जो कहा कि कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर भारत से लोग यहां पर आते हैं और यहां पर एक इकोसिस्टम है जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके चलते लोग यहां पर आते हैं, तो ये बात इसमें ये बात कोई गलत बात नहीं है कि दक्षिण भारत के कई राज्य काफी प्रोग्रेसिव हैं, कई समय से यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इस तरह से उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करके उन्होंने कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बार फिर से कहीं ना कहीं विवादों को एक नई हवा दे दी है और बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है आयशा इस नए विवाद का भी। और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती और जब फ्री भी की जो शॉर्टकट की सियासत है उसका शॉर्ट सर्किट जो है वो कर्नाटक में दिख रहा है और शायद दूसरे जो सियासी दल हैं वो इससे ज़रूर सबक ले सकेंगे। फिलहाल इस वक्त में इतना ही, आयशा आपका शुक्रिया और अपने दर्शकों से हम विदा लेना चाहेंगे इस वक्त के आज के इस अंक में, बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।